दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन में जीपीएस का यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल हर एक इंसान अपने फ़ोन में जीपीएस ज़रूर यूज़ करता है, क्योंकि अगर उसको रेस्टोरेंट ढूंढना हुआ या फिर कहीं जाना हुआ तो वो जीपीएस का यूज़ ज़रूर करता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसरो की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि पूरा मूल रूप से भारत का बना हुआ है, जिसका नाम है नाविक। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी उसकी जानकारी और पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि व्हाट्सएप की तरफ से डार्क मोड को रोल आउट कर दिया गया है सारे एंड्रॉयड और आईओएस फोन के लिए, जो कि अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे अपडेट भी आ चुका है मेरे फ़ोन में, तो इसको कैसे ओपन करना है वो भी आपको बता दें। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ऑन करिए और ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करिए और व्हाट्सएप की सेटिंग में प्रेस करिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट का ऑप्शन आ रहा है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है थीम का। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, एक लाइट का और एक डार्क का। तो आप डार्क पे जैसे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका पूरा व्हाट्सएप डार्क मोड में चला जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका बैटरी बैकअप भी ज़्यादा देगा और फ़ोन भी हैंग होने के ज़्यादा चांस नहीं रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, कानपुर से मैं आशीष ओला करता हूँ आपका स्वागत इस नई वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसरो की तरफ से नेविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन को अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है 3GPP यानी कि जिसका मतलब होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, इसके द्वारा इसको वेरीफाई किया गया है। और इसरो कहना है कि भारत में लॉन्च होने वाले सभी स्मार्टफोनों में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें इसके लिए इसरो ने 8 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं और इनका पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और इससे आपको बता दें कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि 1500 किलोमीटर की जो बाहरी सीमा होगी उसको उसमें सटीक पोजीशन प्राप्त हो सकती है इस नेविगेशन से। तो दोस्तों, अगर नाविक ऐप आपके फ़ोन में उपलब्ध कराया जाता है तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है? तो इससे आप जमीन, वायु और जल में सटीक दूरी का पता लगा सकते हैं और इससे आपदा प्रबंधन में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और इसरो का कहना है दोस्तों कि इसको आप जीपीएस नहीं कह सकते, आप इसको नाविक आरपीएस कह सकते हैं। आरपीएस का मतलब होता है रीजनल नेविगेशन सिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और आपको बता दें कि जो पृथ्वी की कक्षा में 8 सैटेलाइट मौजूद हैं, उनमें से 7 जो सैटेलाइट हैं वो नेविगेशन के लिए हैं और 1 सैटेलाइट मैसेजिंग के लिए है। तो ये रही दोस्तों नाविक ऐप की पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी, जो कि आप आने वाले समय में अपने स्मार्टफोनों में यूज़ करेंगे जीपीएस की जगह। तो आइए फिर दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।